मिनी मजदा एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मजदा एसोसिएशन ने हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सदर मजदा एसोसिएशन चौधरी शेर अली का कहना है 10,000 का चलान 3,000 रुपये का हो गया है। पंजाब की इंतजामिया से हमारे मामला तय पा गए हैं। इजाफी वजन के मुतालबे पर कमेटी बना दी गई है। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म करने का हुक्म देता हूँ। लाहौर में सुबह 9:15 बजे से पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी। स्मॉग के बायस तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। नए औकात कार 28 अक्टूबर बरोज पीर ता 31 जनवरी 2025 नाफिलसल अमल होंगे। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियां भी खत्म। बच्चों की असम्बली क्लास रूम्स में करवाने की हदायत। महकमे स्कूल एजुकेशन ने निजी और सरकारी स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफक पर धुएं और गर्दो गबार का हिसार। बागों के शहर में सांस लेना दुश्वार। रात के वक्त शहर का औसत एक UI 202 रिकॉर्ड। बरकी रोड के एरियाज में सबसे ज़्यादा 443 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA में 196, गुलबर्ग में 202 तक जा पहुंचा। स्क्री 10 में आलूदगी की शरह 315, जौहर टाउन में 302 रिकॉर्ड। गुज़श्ता सुबह शरह 500 की खतरनाक हद से भी ऊपर थी। आलूदगी की शराब बढ़ने से बीमारियों में भी इजाफा। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां तेज़ी से लाहौर में फैलने लगीं। ज़िला इंतजामिया और महकमे मौसमियात के मिलकर जल्द शहर में मौसमी बारिश करने के इकदाम जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों में शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कान नहीं। और धुआं छोड़ती गाड़ियों, ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां। यकम से 21 अक्टूबर तक धुआं छोड़ने वाली 3,387 गाड़ियों के चालान 1,164 को बंद कर दिया गया। ओवरलोडिंग पर 2,038 रूट परमिट के बगैर चलने वाली 1,837 गाड़ियों का चालान किया गया। ओवर चार्जिंग पर 2,656 गाड़ियों के चालान। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4,318 गाड़ियों को बंद किया गया। 1,69,00,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए।